स्टूडेंट्स, आज हम सलग्नता के बारे में बात करेंगे। सलग्नता क्या होती है? देखिए, ये जेनेटिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक है। हम सभी को पता है कि ये केंद्रक के अंदर धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन धागेनुमा रचनाओं को कहा जाता है क्रोमोसोम, या हिंदी में कहते हैं हम इनको गुणसूत्र। इन गुणसूत्र के ऊपर गोलाकार उभरी हुई रचनाएं पाई जाती हैं। इन गोलाकार उभरी हुई रचनाओं को कहते हैं हम क्रोमोमियर। ये हम गुणसूत्र की संरचना में पहले देख चुके हैं कि गुणसूत्र धागेनुमा रचना होती है। इसके ऊपर गोलाकार उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, और इन क्रोमोमियर के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, और इन जीन्स के द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। अब एक गुणसूत्र के ऊपर जितने ज़्यादा जीन्स होंगे उतने ही ज़्यादा संभावना उनकी अगली पीढ़ी में जाने की होगी। इसका मीन्स आप ऐसे देखिए कि जैसे ये एक लंबा गुणसूत्र है, इसके ऊपर ये मैंने बनाए इतने सारे जीन्स। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर। ये इतने जीन्स हैं, ये अत्यधिक पास पास स्थित जीन्स हैं। देखिए, ये एक नंबर का जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये दसवें नंबर का जीन है। अब देखिए इन दोनों जीन के बीच में कितनी ज़्यादा दूरी है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जितने ज़्यादा दूर होंगे वो संतति में जाते समय अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो जीन्स पास पास स्थित होंगे उनकी दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जीन्स साथ साथ रहते हुए युग्मक जनन के समय संतति में साथ साथ पहुंच जाते हैं। मीन्स के जीन्स यदि पास पास है तो उनके द्वारा आनुवंशिक लक्षण जो का त्यों अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा, और संतति अपने पैतृक के समान ही होगी। तो ये गुण कहलाता है सहलग्नता, और ये पास पास स्थित जीन्स ये कहलाते हैं सहलग्न जीन। अब पास पास स्थित सहलग्न जीन दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, जबकि दूर दूर स्थित जीन्स के अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की संभावना बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के समय अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए यह संलग्नता दो प्रकार की होती है, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। अब देखते हैं हम ये पूर्ण या अपूर्ण से क्या तात्पर्य है। अब पूर्ण संलग्नता में क्या होगा कि जो पास पास स्थित जीन्स है, जैसे ये जीन ए, ये देखिए ए बी सी और डी, ये पास पास स्थित जीन्स ऐसे कैसे, ये दोनों, ये सभी पास पास है, तो ये ऐसे कैसे कहाँ पहुँच जाएंगे? दूसरी पीढ़ी में पहुँच जाएंगे। तो जब गुणसूत्र के ऊपर पास पास स्थित जीन सभी आनुवंशिक गुणों को लेकर दूसरी पीढ़ी में पहुँच जाते हैं, यानी संतति बिल्कुल हूबहू अपने पैतृक के समान होती है, तो इसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। जबकि अपूर्ण संलग्नता में क्या होगा? देखिए, अपूर्ण संलग्नता में अब ये कोई गुणसूत्र है, ये इसके ऊपर मैंने जीन्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब
राशि गोवन होगा यहाँ पर और खंडों की अदला बदली हो जाएगी। इसके कारण हो सकता है कि अगली पीढ़ी में सिर्फ पहुँचेंगे तो जीन यही हो सकता है, लेकिन इनका जो क्रम है ये बदल जाए। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 या 1 2 6 5 4 3 हो गया, यानी सीक्वेंस ही बदल गया। तो संतति हूबहू पैतृक के समान नहीं होगी, नए लक्षण आ जाएंगे, कुछ लक्षण तो रहेंगे। जैसे जो जिन साथ साथ पहुँचे हैं वो पैतृक गुण दिखाएंगे, लेकिन जो सीक्वेंस चेंज हुआ उसके कारण संतति में कुछ लक्षण नए भी रहेंगे। इसी को कहा जाएगा अपूर्ण संलग्नता, यानी संतति पैतृक के समान रही तो वो पूर्ण संलग्नता के कारण है, और संतति में यदि नए लक्षण आए तो वो क्यों आए हैं? अपूर्ण संलग्नता के कारण। अब अपूर्ण सॉरी इस संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत समझते हैं हम। अब संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक कैस्टर और मार्गन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि संलग्नता की शक्ति, यानी कितनी संलग्नता होगी, ये गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये पहला पॉइंट है, संलग्नता की शक्ति गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। गुणसूत्र जितना लंबा होगा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा जींस पाए जाएंगे, और जींस के बीच दूरी अधिक होने पर, जैसे इस जीन और इस जीन के साथ साथ अगली पीढ़ी में जाने की संभावना बहुत कम है, तो पास पास स्थित जींस के अगली पीढ़ी में जाने की संभावना अधिक रहती है, और दूर दूर स्थित जींस के अगली पीढ़ी में जाने की संभावना बहुत कम होती है। ये है सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी प्रोपोर्शनल 1/S। डी का मतलब होता है डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन जींस, जींस के बीच की दूरी। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, संलग्नता की शक्ति। अब इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? डी बराबर के अपॉन, या इसको जो लिख दें हम के 1/S। ठीक, समानुपाती का प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो के लगा, और यहाँ पर जो के आया है ये के हो जाएगा संलग्नता स्थिरांक या लिंकेज कांस्टेंट, संलग्नता का स्थिरांक। ये है गुणसूत्र का संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, यानी एक गुणसूत्र के ऊपर जितने भी जींस है उनके साथ साथ वंशागत होने की संभावना रहती है, दूर दूर स्थित जींस कभी भी साथ साथ नहीं पहुंचते हैं, इसके कारण संलग्नता की शक्ति कम हो जाती है, और पास पास स्थित जींस के दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसलिए संलग्नता की शक्ति बढ़ जाती है। इसे हम डी प्रोपोर्शनल 1/S से रिप्रेजेंट करते हैं। डी डिस्टेंस बिटवीन जींस और एस संलग्नता की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, कॉन्स्टेंट हटाया समानुपाती, और इसकी जगह हमने लिंकेज का स्थिरांक लिंकेज कॉन्स्टेंट लगाया। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज दोनों के ही उदाहरण देखना है, तो आप